नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एग कीमा मसाला की रेसिपी, जो झटपट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। जब भी आपका अंडा करी खाने का मन ना करे तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो स्टार्ट करते अपनी नई रेसिपी। अंडा कीमा मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ 6 अंडों को उबाल कर ले लिया है। अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। कीमा बनाने के लिए हमें अपने अंडों को कद्दूकस करना पड़ेगा, तो हम एक कद्दूकस ले लेंगे और उसको इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। यहाँ हमने अपने अंडों को कद्दूकस कर लिया। अब चलते हैं गैस की तरफ, अब अपनी सब्जी बना लेते हैं। यह गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच ऑयल और ऑयल को पहले गर्म होने देंगे हम। यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया तो हम डाल देंगे, हमने 2 मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। हमने इसको चॉपर में काट लिया है जिससे ये अच्छे से बारीक हो गई है, तो हम इसे डाल देंगे, तेल में डाल देंगे इसको। अब हम इसको भून लेंगे। हमें अपनी प्याज को लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनना है तेज आंच पर। यह हमने प्याज को अच्छे से देखो भून लिया है, इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया हमने अपनी प्याज को। अब डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको भी भून लेंगे। हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को भी भून लिया है। अब डाल देंगे 2 टमाटर को हमने चॉपर में बारीक कर लिया है, उसको भी डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक। नमक को मिला देंगे हम टमाटर में। नमक डालने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए हम पहले नमक डाल रहे हैं। अब हम इसको टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। यह हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब डाल देंगे अपने मसाले। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, आधा चम्मच ही डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इससे सब्जी में बहुत अच्छा कलर आता है। अब इन सबको मिक्स कर देंगे और अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे मसाले अच्छे से पक जाए। यहाँ हमारा मसाला पक गया, तो थोड़ी डाल देंगे कसूरी मेथी और इसको भी मसाले में थोड़ा सा और भून लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से भून गया है। इसने तेल भी अलग कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने अंडे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा पानी। इसी समय डाल देंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला और इसको मिला देंगे। अब ढककर इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। यह हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया,
गैस कर देंगे बंद। ये हमारा एग कीमा मसाला बनकर तैयार हो गया। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा गार्निश के लिए हरा धनिया।